वहाँ पर फिर चोरी का डर रहता है। मोस्टली मैंने देखा है यार यहाँ कंपनी में नहाने का जुगाड़ है, तो यहाँ पर अपना शावर लेके निकलते हैं। फिर एक तरफ है ऊंचे ऊंचे पहाड़ और दूसरी तरफ है समुंदर। इन अलग अलग वालों भाइयों के आफताए थे भाई, मॉनिटरी में बैठे बंदों को पता नहीं कौन सा दौरा पड़ता है। शिकाल एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। तो क्या हालचाल, उम्मीद है सब ठीक होंगे। अभी भाई स्पेन के वैलेंसिया में हूँ और मैं यहाँ पे एक पेट्रोल पंप की पार्किंग में रुका हूँ। सुबह के 8 बज गए हैं और मुझे जाना है अभी लोडिंग के लिए। 9 बजे की मेरी लोडिंग है और अनलोडिंग है इटली की। तो जी ये कुछ माहौल है सुबह सुबह बाहर का। तो अपना ब्रेकफास्ट हो गया है, यहाँ से बस अब शिफ्ट अपनी शुरू करके सीधे निकलेंगे लोडिंग लोकेशन के लिए, जो लगभग यहाँ से है 20 किलोमीटर। और इस बार भी भाई मेरे पास टेम्परेचर वाला माल है, अपना प्रोडक्ट है इस बार दूध और टेम्परेचर रहेगा 3 डिग्री। तो भाई पर इस बार ये एक चीज़ हो गई कि टेम्परेचर ऑटोमेटिक पे है, कंटिन्यूस मोड पे नहीं है। कंटिन्यूस मोड पे हो तो भाई दिक्कत है, क्योंकि मुझे यार फ्रांस होके निकलना है। फ्रांस में फिर अगर बाई चांस मेरी 24 घंटे की रेस्ट शुरू हो जाती है तो वहाँ पर फिर चोरी का डर रहता है। मोस्टली मैंने देखा है कि जिसकी रीफर ऑन होता है तो भाई उस गाड़ी में वो चोरी करने के लिए थोड़ा ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, क्योंकि भाई रीफर की आवाज़ में बंदा अंदर सो जाता है और बाहर फिर कुछ सुनाई नहीं देता बाहर का, और बंदों को चोरी करने के लिए आसानी हो जाती है। तो गाइज यहाँ से निकलूंगा लोडिंग लोकेशन और वहाँ से देखते हैं सीधा फिर अपना फ्यूलिंग जो है ग्लोबल टैंक की। तो जी काम शुरू करने का समय आ गया है, यहाँ से निकल रहा हूँ सीधा लोडिंग लोकेशन के लिए। कल जब मैं भाई वैलेंसिया पहुंचा था तो बहुत घने बादल दिख रहे थे, काले बादल। मुझे लगा कि बारिश हो सकती है, लेकिन भाई बारिश नहीं हुई यहाँ पर, तो बहुत ज्यादा गर्मी हो गई थी। चलो अब सफर शुरू हो गया है, अब कोई दिक्कत नहीं है। भाई आप जो ये बगीचे देख रहे हो ना, ये सारे संतरे के बगीचे हैं भाई। ये देखिए रोड के दोनों साइड बड़े बड़े फार्म्स लगे हुए हैं, ये सारे संतरे की खेती होती है यहाँ पे। जी पहुंच गए हैं लोडिंग लोकेशन पे, जैसे मैंने बताया कि बहुत नजदीक थी 20 किलोमीटर, तो यहाँ से लोडिंग होगी। जीपीएस की लोकेशन तो यहाँ तक लेके आई है, सामने एक बार सिक्योरिटी पोस्ट से पता करते हैं कि कहाँ पर लोडिंग होगी। तो यार गाड़ी तो अपनी आ गई है कंपनी के अंदर, अब उन्होंने भी सीएमआर मांगा है तो उनको भी अपना सीएमआर देना पड़ेगा। तो ये है जी लोडिंग लोकेशन, यहाँ से लोड होगी अपनी गाड़ी। जैसे मैंने बताया कि प्रोडक्ट है मिल्क और टेम्परेचर है +3 डिग्री। सीएमआर अपना दे दिया है और लोडिंग के लिए बोल दिया है, लोडिंग के लिए बोला है 3 नंबर डेक पे, तो अपनी गाड़ी जाएगी वो इसके पिछली तरफ। जनाब गाड़ी अपनी लग गई है लोडिंग के लिए डेक नंबर 3 पे, और ये सामने भी अपनी कंपनी की गाड़ी है भाई, ये भी इटली के लिए लोड हो रही पर कहीं और के लिए। अब यहाँ पर लोडिंग पे गाड़ी लग गई है, उतने में देखते हैं यार यहाँ पर नहाने की अगर सुविधा हो तो फटाफट नहा के अपना काम निपटा लेते हैं। आज दिन भरना भाई बहुत ज़्यादा ड्राइव रहेगा और सीधा निकलूंगा अब यहाँ से ग्लोबल टैंक, वहाँ पर फ्यूलिंग होगी और फिर जितना ज़्यादा किलोमीटर कवर होंगे वहाँ पर अपनी फिर 24 घंटे की रेस्ट शुरू करूँगा। यार यहाँ कंपनी में नहाने का जुगाड़ है तो यहाँ पर अपना शावर लेके निकलते हैं फिर। तो दोस्तों लोडिंग हो गई है और यार यहाँ कंपनी में बढ़िया नहाने को भी हो गया। सीएमआर मैंने अपना अपडेट कर लिया है मैनेजर को और टेम्परेचर सेट कर लिया है, यहाँ से निकलने के लिए सारे काम अपने ओके हो गए हैं। तो अब करते हैं यहाँ से सफर शुरू, सबसे पहले करते हैं मेन रोड ज्वाइन, ये एकदम गांव की लोकेशन है, तो मेन रोड ज्वाइन करते हैं फिर निकलेंगे सीधा भाई ग्लोबल टैंक फ्यूलिंग के लिए, जिसका सफर है यहाँ से लगभग 500 किलोमीटर। ये देखिए 491 किलोमीटर, लगभग 500 किलोमीटर हो जाएगा भाई यहाँ से। तो मिलते हैं आपको अब मेन रोड में। तो जी उस रास्ते को छोड़ के अभी मैं हाईवे पे आ गया हूँ। ये देखिए A7 E15 जो निकल रहा है सीधा बार्सिलोना के लिए, तो बार्सिलोना होते हुए मैं निकलूंगा गिरोना, और गिरोना के साथ में ही है अपनी फ्यूलिंग ग्लोबल टैंक वाली। तो आज देखिए जैसे वीकेंड है, आज है भाई सैटरडे, वीकेंड में रश देखिए भाई रोड पे, पूरे पूरे रोड भरे हैं और ज्यादातर आपको कार्स ही देखने को मिलेंगी भाई वीकेंड में। भाई ये लोग ना इधर उधर घूमने बहुत ज़्यादा निकलते हैं, और फ्रांस में जैसे बैन है सैटरडे संडे को, तो रोड आपने देखा ही है जब मैं इटली से लोड करके पुर्तगाल जा रहा था कितना भयंकर जाम लगा था। स्पेन में तो उतना ट्रैफिक नहीं मिलेगा, लेकिन कल फ्रांस में भाई अपने को ट्रैफिक ज़्यादा मिलेगा, फ्रांस में तो हमेशा ही रहता है वीकेंड पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक। अब मेरा सफ़र इसी रोड पे रहेगा A7 पे लगभग लास्ट तक, लास्ट में बस 2-3 किलोमीटर अपने को जाना है गाँव वाले रास्ते में। तो यार ब्रेकफास्ट सुबह हो गया है, नहाने को मिल गया और सारे काम निपट गए हैं, अब तो बस गाड़ी उठती हुई जाएगी। भले ही सुबह खाना लेट मिले लेकिन अगर नहाने को मिल जाए ना तो भाई मज़ा ही आ जाता है। और इस बार फिर से मेरे पास है टेम्परेचर वाला मटेरियल, जैसे मैंने बताया मेरे पास है दूध। तो भाई वैसे भी टेम्परेचर वाली गाड़ियों को, रीफर वाली गाड़ियों को जब ट्रैफिक बैन होता है तो उनको रोकते नहीं है, ट्रैफिक बैन में उनको अलाउड होता है सफ़र करना, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और मैनेजर ने भी मुझे बता दिया है कि ट्रैफिक बैन में भी आप अपना सफ़र कंटिन्यू रख सकते हो। अगर आप मैप में देखो ना तो भाई वैलेंसिया भी एकदम समुद्र के किनारे है, तो मुझे पूरा सफ़र अपना समुद्र के किनारे किनारे ही करना है, जैसे बार्सिलोना हो गया और फिर गिरोना,
एकदम समुद्र के साथ साथ ही अपना सफर रहेगा। तो भाई दूर दूर तक जहाँ तक आप लोगों की नज़र जा रही है ना इस वैली में, सिर्फ और सिर्फ भाई संतरे की खेती है। वो पहाड़ों तक संतरे और नींबू की खेती बहुत ज़्यादा होती है इस एरिया में। ये वाले देखिए, एक तरफ है ऊंचे ऊंचे पहाड़ और दूसरी तरफ है समुंदर। ये पीछे आप देखो भाई, समुंदर शुरू हो गया है। जैसे मैंने बताया ना, पूरा रास्ता भाई ऐसे ही समुंदर के साथ साथ ही अपना सफर। तो भाई सफर लगातार जारी। भाई सफर अपना ना बहुत खूबसूरत वैली से होके निकल रहा है। ये देखिए क्या प्यारे प्यारे पहाड़ हरे भरे। तो यार 2 घंटे की ड्राइव अपनी हो गई है, लगभग 1.5 घंटे 2 घंटे और ड्राइव करके कहीं 45 मिनट की ब्रेक के लिए रुकूंगा और वहां पर अपना लंच भी फिनिश कर लेंगे। अब वैली में थोड़ा अंदर आ गया हूँ। जो ये आप पहाड़ देख रहे हो ना पीछे भाई, इस पहाड़ की दूसरी तरफ को अब पानी रह गया है, समंदर उसके दूसरी तरफ को रह गया है। अभी मैं वैली में आ गया हूँ अंदर। ये रोड साइड पे फूल देखो यार, क्या जबरदस्त भाई फूल लगे हैं। तो दोस्तों लगभग 3.5 घंटे के सफर के बाद मैं आ गया हूँ एक पेट्रोल स्टेशन की पार्किंग में। तो यहाँ पर अपनी 45 मिनट्स की रेस्ट कंप्लीट करेंगे और साथ में खाना खा लेंगे। ये एक पार्किंग मिल गई थी भाई अपने को रोड साइड पे, बढ़िया। तो ये अपनी गाड़ी लगी है यहाँ पे। बाहर तो है यार बहुत भयंकर गर्मी भाई, एकदम चिपचिप करने वाली गर्मी है भाई। वीकेंड है तो वीकेंड में मोस्टली पार्किंगें फुल मिलती हैं। जैसे ट्रक वालों की भी वीक रेस्ट चल रही है और साथ में जैसे कार्स वगैरह, तो वीकेंड में मोस्टली मिलेंगी आपको भाई। यहाँ देखिए पूरे टूरिस्ट भाई बैठे हैं, गार्डन पे खाना हो रहा है, अपने एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ से सफ़र रहता है लगभग 220 किलोमीटर का, तो उसके लिए लग जाएंगे लगभग 3 घंटे 3 साढ़े 3 घंटे। तो मतलब मैं आज सोच रहा हूँ कि यार ग्लोबल टैंक में अपनी रेस्ट शुरू कर लूँगा। एक तो है भाई फ्रांस में ट्रैफिक बैन, दूसरा कि यार मैं 24 घंटे की रेस्ट फ्रांस में नहीं करना चाहता, क्योंकि वहाँ पर ना मोस्टली एक तो रीफर वाला मटीरियल है मेरे पास, अपना रीफर ऑन है, और दूसरा वहाँ पर चोरियों का डर रहता है। तो वहाँ से ग्लोबल टैंक से ऐसा होगा कि अपना 550 किलोमीटर फ्रांस का सफर रहेगा, तो उसको एक शिफ्ट में कंप्लीट करके मैं सीधा इटली में एंटर कर जाऊंगा। भाई यो खाना खा लिया है और अब करते हैं यहाँ से सफर शुरू। ताजी रोटी खाई ले रही, गांजवा ते भांडे रख दी तेरे मांजवा, एवे थिले पानी असल लामी लामी, ताकि पूजी जाओ सांझ गिरे वेला अपने टिकाने। इन आलो गले वालो भाईयो के आफत आए थे, इन्हें अपनी घोरे नहीं ठीकी होगी की जो सह पाऊंगा घोरा साढ़े आओ की पूजे ते रोटी खाते है केड़ी मौज कर दे जंगला दे मुँह घर है मुँह टिकने ले घर है बढ़िया रहो एडी गर्मी की जब फा पात वाले। भाई वीकेंड है देखो कैसे पहले गाड़ियाँ रोड तक भाई इन्होंने पहले ही पार्क कर लिए हुए। अब देखो शाम को जो आएगा भाई कहाँ मिलेगी पार्किंग, रोड पे जब गाड़ियाँ लग गई हैं पार्किंग फुल हो गई है कहाँ मिलेगी पार्किंग फिर। तो हम आ गए हैं जी पार्किंग से बाहर, करते हैं मेन रोड ज्वाइन और सफर लगातार जारी। भाई गाड़ी चलती रहे ना तो मजा है, नहीं तो बाहर निकलना तो बहुत ज्यादा मुश्किल है। बार्सिलोना को हमने कर लिया है बाईपास और निकल रहे हैं जी अब सीधा गिरोना फ्रांस की तरफ। ये रास्ता सीधा भाई फ्रांस बॉर्डर की तरफ जाएगा, तो गिरोना में ही अपनी कहीं साथ में ग्लोबल टैंक पे फ्यूलिंग है। तो यहाँ से अभी सफर रहता है लगभग 100 किलोमीटर। भाई मॉनिटरी में बैठे बंदों को पता नहीं कौन सा दौरा पड़ता है या उनको क्या होता है। मेरे टास्क 10 बार लगभग भाई रिवाइज हो गए, कभी कुछ डाल रहे हैं कभी कुछ डाल रहे हैं। एक बार तो मुझे ट्रेलर चेंज का डाल दिया था फ्रांस में ट्रेलर चेंज किया टास्क डाल दिया था और फिर उसको डिलीट कर दिया। कभी फ्यूल डाल रहे हैं कभी फ्यूल डिलीट कर रहे हैं जो मेरा फ्यूल वाला टास्क है। तो इनको पता नहीं कौन सा सस्ता नशा करके दौरे पड़ रहे हैं वहां पे बैठे बैठे। यार एक तो अकेला बंदा और ऊपर से बार बार मोबाइल देखना, अब पता नहीं इनको क्या दिक्कत है। पहले मुझे भाई ट्रेलर चेंज का डाल दिया था टास्क, तो मुझे लगा कि मेरा ट्रेलर चेंज हो जाएगा और भाई थोड़ी देर में वो डिलीट हो गया। फिर से डाल रहे हैं कभी डिलीट कर रहे हैं। अब मैंने तो कंफर्म कर लिया कि मैं ग्लोबल टैंक में जाके भाई फ्यूलिंग करके वहीं पर अपनी 24 घंटे की रेस्ट शुरू कर दूंगा। अब जो भी होगा वो अब बाद में देखेंगे। तो भाई यहाँ से गिरोना का रास्ता भी कट गया और हम हैं अभी AP7 पे ही। अभी लगभग यहाँ से 30 किलोमीटर का रहता है भाई ग्लोबल टैंक का सफर। तो भाई हाईवे को छोड़ के अभी हम आ गए हैं पेट्रोल पंप वाली लोकेशन की तरफ। अब यार एक बार टाइम कैलकुलेशन कर लेते हैं, टाइम के हिसाब से अगर पॉसिबल हुआ तो यहाँ पर अपनी 24 आवर्स की रेस्ट स्टार्ट करके बाकी का सफर फिर कल शुरू करेंगे। तो दोस्तों पहुँच गए हैं जी ग्लोबल टैंक वंस अगेन। अब सबसे पहले भाई यहाँ पर कर लेते हैं फ्यूलिंग और फिर करेंगे बाकी के काम।
तो भाई शाम के 6 बज गए हैं और यहाँ पर देखो गाड़ियाँ लगना शुरू हो गई है। रात को ये पूरा भर जाएगा भाई, यहाँ पर फिर गाड़ी लगाने के लिए जगह नहीं रहेगी। उस दिन भी जब मैं सुबह भाई तेल भरने आया था तो ये देखिए पूरा यहाँ पे पार्किंग ही पार्किंग थी, लेकिन अभी तो थोड़ी जगह है फिलहाल। वही SMS कोड मैंने पहले ही ऑर्डर कर दिया था, SMS कोड अंदर बता दिया है। तो 5 नंबर काउंटर की नोजल एक्टिवेट कर दी है, SMS कोड आपको काउंटर पे दिखाना पड़ता है, वो एंटर करेंगे और फिर जाके भाई नोजल आपकी ओपन होगी। तब तक डीजल नहीं आएगा नोजल में, अब उसने ऑन कर दी है तो यहाँ से डालेंगे अभी तेल। पर एक टाइम में भाई एड ब्लू और डीजल भरवा लेता हूँ, फिर दूसरी तरफ डीजल टैंक और फिर रीफर का डीजल भरेंगे। दोस्तों डीजल भरवा लिया है, अब चलते हैं अंदर, अंदर से लेके आते हैं रिसिप्ट और फिर देखते हैं यहाँ पे पहले पार्किंग और फिर बनाते हैं प्रोग्राम अपना अगला काम का। तो रात के 9 बज गए हैं और जैसे आपने शाम को देखा कि भाई मैं ग्लोबल टैंक में आ गया था और यहाँ पे अपनी गाड़ी की फ्यूलिंग करवा ली थी। तो भाई तेल भरवाने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पे रेस्ट कर लिया था और फिर अपना खाना बना लिया था। तो भाई ये अपनी गाड़ी खड़ी है और साथ में खड़ी है एक और गाड़ी, ये गाड़ी है स्पेन की और इसमें मुझे अपने पंजाबी भाई मिल गए हैं। तो इनके साथ बैठते बैठते भाई शाम को टाइम कब निकल गया पता भी नहीं चला। तो भाई ये है पार्किंग, पंप के अंदर की पार्किंग तो फुल है, ये देखिए अंदर वाली पार्किंग। इसमें तो भाई अपने को जगह नहीं मिली तो इसके पीछे एक कच्चे ग्राउंड पे गाड़ी पार्क कर ली है और यहाँ पर मैंने अपनी 24 आवर्स की रेस्ट स्टार्ट कर ली है। यहाँ पर 24 घंटे की रेस्ट करने का भी एक मतलब था, जैसे मैंने पहले बताया था कि यार मेरे को फ्रांस में एंटर नहीं करना था क्योंकि मेरे पास है भाई रीफर वाला माल और मोस्टली रीफर वाली गाड़ियों पे तेल चोरी होता है फ्रांस पे। तो इसलिए मैंने अपनी यहाँ पे 24 घंटे की रेस्ट शुरू कर ली और अब कल शाम को अपना यहाँ से ड्राइव शुरू हो जाएगा और कल शाम के 9 घंटे की ड्राइव टाइम में अपना फ्रांस को क्रॉस कर लेंगे कि यहाँ से अपना सफर कल शाम को 6 बजे फिर से शुरू हो जाएगा अनलोडिंग के लिए, जो है इटली रोम की। तो गाइज मिलते हैं आपको सुबह और सुबह फिर देखते हैं यहाँ पर क्या क्या काम करते हैं को रहता है। एक तो अपने यहाँ पर यार सुबह उठ के कपड़े धोने हैं और अपने कुछ ग्रॉसरी मंगवानी है, जो यहाँ पे सरपंच करके मैंने आपको पहले भी बताया यहाँ पे एक इंडियन भाई है, उनकी शॉप है ग्रॉसरी की। तो उनसे कुछ सामान मंगवाना है अपनी ग्रॉसरी का, उनसे सामान भी मंगवा लेंगे। कल यहाँ पर अपने कपड़े धो के सारे अपने जो भी पर्सनल काम है निपटा के अपना कुछ खाना भी बना के रख लेंगे ताकि एक दो दिन अपने को बनाने की जरूरत ना पड़े। गाइज मिलते हैं आपको सुबह एक नए दिन के साथ, एक नए काम के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब।